तो दोस्तों तैयार हो जाओ अपने पेट को कसकर पकड़ के, क्योंकि ये जानवर आपको हंसा हंसा कर पेट दर्द करवा देंगे। नंबर 25। अरे हैमस्टर भाई धीरे भागो, वो बाजू वाला कवर नहीं कर पा रहा। देखो तो बेचारे को कैसा लटका पड़ा है। रुक तेरे को बताते। तो गया बेटे। नंबर 24। दोस्त कभी आपने मुर्गियों के चूजों को भागते हुए स्लो मोशन में देखा है? जरा देखो। अरे बिल्ली मौसी, तुमको हर चीज में अपनी नाक देने की कौन सी चुल है? वो खेलने की चीज नहीं है। नंबर 23। ब्रुकलिन बेटा बॉल वापस करो, तू छोटा बच्चा है कि वो छोटा बच्चा है? देना। अच्छा। अबे साले, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। सभी डॉग भाई लोगों का यही हाल है। नंबर 22। छोटे बच्चों को खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्यों रकून भाई? नंबर 21। फिसल पट्टी में लगातार एक के बाद एक नहीं जाते, ये बात तो हम सबको पता है, पर इस डॉग भाई को कौन समझाए? इतना ही दिमाग होता तो डॉग भाई काय को कहलाते। नंबर 20। यहाँ ये बकरी सोच रही है कि शायद इसको प्यार हो गया है। मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। अरे बिल्ली मौसी, तुम फिर से आ गई, अब कौन सा कांड करने वाली हो? नंबर 19। डॉग भाई यहाँ इतने परेशान है कि साला घर में ये कौन सा जानवर आ गया यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कायर की तरह पीछे से वार करता नामर, हिम्मत है तो सामने से वार कर। सलेक्ट साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अच्छा ऐसी गुंडागर्दी पहले कभी देखी है? काने को देवरे। चुप, बिल्कुल चुप। चुप कर बे कुत्ते। अल्लाह के नाम पे अंधे भिखारी को कुछ दे दे बाबा। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दे, पीछा छोड़ दे। नंबर 18। बिल्लियां हमेशा सिग्मा ही रहेंगी, ये लो एक प्रूफ और देख लो। बोले बेटा मस्ते नहीं। ये भगवान क्या जुलूम है। धूप ताप लेने ता। इतना दिमाग आता कहाँ से है इन पे। नंबर 17। दोस्तों ये तमाचा देखना, सिंघम को भी भूल जाओगे। चीर दूंगा फाड़ दूंगा साले, हम खाता हूँ कल का सूरज कल का छोड़ अभी। छोड़ बे कुत्ते। अच्छा सच सच बताओ, किस किस के पापा लोग रात में ऐसे ही सोते हैं? नंबर 16। डॉग भाई लोग अपने मालिक की हर जगह मदद करने की कोशिश जरूर करते हैं। हिम्मत इतनी खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचा दे। मैं अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होगा। ऐसी मदद से तो अच्छा है साइड में जाके बैठ जाओ डॉग भाई। नंबर 15। ये बिल्ली परेशान है कि साला चुखरा किधर गोल हो गया, अभी तो इधर ही था। लेकिन एक सेकंड, किधर है किधर है? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। टॉम एंड जेरी इन रियल लाइफ देख रहे हो। नंबर 14। इन पापा की परियों का मजा हम और आप ही नहीं बल्कि उल्लू के पट्टे भी उतना ही लेते हैं। तो गेम बचाना पड़ेगा, ठीक है भाई? ओके, भाई। शायद दस्त लग गए उसको। चलो मैडम अब साफ करो। मौसम कितना बढ़िया है ना। चलो तो फिर आज लुका छिपी खेलते हैं। क्यों डॉग भाई तुम खेलोगे? चलो 1 2 3। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 13। दोस्तों एक बार एक कुत्ता पाल लो फिर तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो गया बेटे, मुझे अपने घर जाना है। अच्छा स्लो मोशन वीडियोस भी कितने बढ़िया रहते हैं ना।
आ रहा हूं। है ना? हाँ। नंबर 12, बिल्ली और चूहे को टॉम एंड जेरी की तरह लुका छुपी खेलते तो देख लिया, अब जरा बिल्ली मौसी को टॉम एंड जेरी देखते भी देख लो। क्या कर रहे हैं यार तू? भाई अगर आपके यहाँ बिल्ली हो ना तो ऐसे कार्टून मत ही देखना, खामखा हाथ से टीवी धो बैठोगे। नंबर 11, अरे डॉग भाई ऐसे लकड़ी को पकड़ के गोल गोल मत घूमो, चक्कर आ जाएंगे। बोल रहे थे जब तक ये गोल गोल घूम रहा है तब तक आप इस बिल्ली को देखो, ये टोस्ट मशीन के पास बड़ा ध्यान लगा कर बैठी है। नंबर 10, अरे प्रीति, ओ प्रीति, आज तो तेरी गोदी में लेटूंगा रे। ये क्या प्यार तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास तुम। चलो अब सब लोग आराम से निकलो वरना गिर जाओगे। नंबर 9, बंदर बेटा पेड़ों पर चढ़ना सीख तो रहे हो, बस एक बात याद रखना कि पतली डालों से दूर रहना, समझ गए? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर छाती फोड़ रे। नहीं समझे? नंबर 8, ये जो बिल्ली मौसी तुम हर किसी को तमाचा मारती हो ना, देखना पछताओगी एक दिन। नंबर 7, डॉग भाई रुक जाओ, पीछे मत देखना, भूत बैठा है। मैं नहीं डरता। नंबर 6, दोस्तों इधर इस तोते भाई ने जब अपनी जिंदगी में पहली बार जादू देखा तो वो तो पागल ही हो गया। और इधर इस डॉग भाई की गुस्सा देख रहे हो, क्या रे भीख मंगया? बाप रे। नंबर 5, दोस्तों शाहरुख सर की ना जाने कितनी लड़कियां दीवानी है, तो ऐसे में अगर आपको भी शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचवानी है और रियल एसआर के ना मिले तो ये सस्ता वाला जरूर मिल जाएगा। बरसों से पागल हूं, तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण। नंबर 4, यहाँ बिल्ली ने एक बार म्याऊं क्या कर दी, इस एडिटर ने तो उसे एडिट करके मोबाइलों की रिंगटोन ही बना दिया यार। नंबर 3, भाई कोई अगर आपके काम में बीच में डिस्टर्ब करे तो जानते हो क्या करने का मन होता है? तू तो गया बेटे। मैं इस पर हाथ डाल के कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाए तूने? उठा उठा के पटकूंगा। नंबर 2, डॉग भाई आराम से आना, सेंटर टेबल में कांच नहीं है। आ रहा। बोले थे हम। आहा, बीच में रेत के अंदर घुस के लेटने में जो मजा है वो कहीं और कहां। कहीं शांति नहीं है। नंबर 1, कमाल की बात है ना, हमारे आसपास के कुत्ते कभी जिंदगी में शेर या टाइगर को नहीं देख पाते, पर इनके खिलौनों को ही देख डॉग भाई लोगों की आत्मा निकल जाती है। Are you ready? अच्छा
अच्छा अब ये बताओ आपको हंसी आई कि नहीं। अगर आई हो तो चुपचाप मेरे को सब्सक्राइब कर दो। और भैया हम मिलते हैं आपको अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।